बुर्ज जद्दी, जो लोग आपके साथ रابطे की कोशिश कर रहे हैं, आपको इन तक अपनी रसाई को आसान बनाना चाहिए। आज के दिन आपको हर चीज के लिए तैयार रहना चाहिए। हो सकता है एक शानदार सफर पर आपको जाने का मौका मिले। ये सफर आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है और आपकी कामयाबी की नई राहें खोल सकता है। कामयाबी के साथ आगे की जानें बढ़ते रहें। इस वक्त आपको जो मौके दस्तयाब हैं, इनसे लाजमी फ़ायदा उठाएं। एक लाइब्रेरी या इंटरनेट पर बैठकर अपनी दिलचस्पी वाले मौजूदात पर किताबें पढ़ सकते हैं। आज के दिन आपको अपने बालों, जल्द पांव और हाथों की जानब खास तवज्जो देनी चाहिए। इनकी सेहत का खास ख्याल रखें। आपके लिए अपनी सेहत को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए जो भी ज़राए हैं, इनको लाजमी इस्तेमाल करें। इस वक्त आपके अंदर जो तवनाई मौजूद है, वो आपको रोमांस की जानब मुतवज्जे कर सकती है। आज अपने प्यार के साथ मिलकर इंजॉय करने के मूड में लग रहे हैं। इस वक्त आप अपने अंदर जो जज्बा महसूस कर रहे हैं, इसको अपने काम वाली जगह पर भी बरकरार रखते हुए अपने लिए फ़ायदे हासिल करें। ज़हन में आने वाले तख्लीकी ख्यालात पर अमल करने का मौका मिल सकता है। खुद एतमादी के साथ अपनी मंजिल की जानिब बढ़ते रहें। आपको अपने कैरियर में मज़ीद तरक्की मिल सकती है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज दल्लो, आप जो कुछ भी करना चाह रहे हैं, आज इस बात को दूसरों तक पहुंचाने के लिए आपको नए रास्ते तलाश कर लेने चाहिए। दूसरे लोग यकीनी तौर पर आपकी हर बात सुनने का तैयार हैं। आपने आज जो कुछ करने का इरादा कर लिया है, वो करने में बिल्कुल भी देर मत लगाएं। खुद को हौसला अफजा रखते हुए अपने मकासद को जल्द अज जल्द हासिल करने की कोशिश करें। बेमकसद गुफ्तगू का बिल्कुल भी हिस्सा मत बने। इस वक्त आप जो आम आदाब हैं, इनको हासिल करने की कोशिश करें। आपको किसी तौर पर भी आज रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज के दिन आपको अपने दबाव पर किसी तौर पर भी जोर नहीं देना चाहिए, बल्कि खुद को पुरसकून रखें। आपको खाना वक्त पर खाने की आदत को अपना लेना चाहिए। आज के दिन आप अपने रोमानवी तलुकात को पायदार बनाने के मुतालिक मज़ीद सोच सकते हैं और अहम कदम भी उठा सकते हैं। इस वक्त ऐसा लग रहा है कि आपके कैरियर के रास्ते में कोई भी रुकावट नज़र नहीं आ रही। आपके हम मनसूबे मुकम्मल होने के करीब हैं। अपने काम को, अपनी जॉब को ईमानदारी के साथ ही सर अंजाम दें। जल्द ही आप एक बड़ी कामयाबी के करीब होंगे। आपकी आमदनी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज होत, अपनी शख्सियत को मजीद निखार कर आज के दिन अपनी जात के लिए फायदे हासिल कर सकते हैं। आप एक मजबूत और अनाय रखते हैं, जो आपको बिल्कुल भी गिरने से बचाए हुए हैं। बेहतरीन हिकमत अमली के साथ आगे बढ़ते हुए अपने आदाब हासिल करने की कोशिश करें। अपनी जात को फजूल चीज़ों के बजाय दिलचस्प मंसूबे मसरूफ़ रख कर फ़ायदे हासिल करें। आपको अपने पसंदीदा मौजूदात के बारे में मज़ीद तहकीक करनी चाहिए। हर दिन कुछ ना कुछ सीखने की ही कोशिश करें। जल्द ही आप अपने आम मकासद को हासिल करने में कामयाब हो सकते हैं। मौजूदा वक्त से फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। आपने अपनी सेहत पर जो पैसा खर्च किया है, इसका आपको शानदार और बेहतरीन नतीजा मिल सकता है। आज के दिन अपने साथी के साथ रोमांस से भरपूर गुफ्तगू हो सकती है, जो आप दोनों को ही रोमानवी बना सकती है। आज के दिन आप अपने कैरियर के बारे में अहम फैसले कर सकते हैं। आज के दिन आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए शानदार मौके मिल रहे हैं। किसी भी नई जानब सरमायाकारी की जा सकती है। ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत रंग ला रही है, जिससे आपको अपने काम करने वाली जगह पर मज़ीद तरक्की मिल सकती है। खुद एतमादी के साथ अपने जारी मंसूबों को जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज हमल, आज के दिन का आपके लिए एक अहम पहलू यह है कि आपके अंदर ताकत बढ़ती जा रही है। आज जीतने की पोजीशन में ही खड़े हुए हैं। माहौल आपके लिए साजगार बनता जा रहा है, जिसमें आप अपनी जात के लिए फ़ायदे हासिल कर सकते हैं। आपको हर चीज़ के बारे में खुले दिल के साथ सोचना चाहिए। मेहनत के साथ आगे बढ़ते रहें। आपने जो कुछ शुरू कर रखा है, इसमें आपको फ़ायदे मिलने की तवक्को लग रही है। आज के दिन आपको अपनी सेहत की जानिब ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि आप अपने रोमानवी तालुकात को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। आज के दिन एक नए कारोबार या मंसूबे में शरीक होने का शानदार वक्त है। किसी भी जानब सरमायाकारी करने का मौका मिल सकता है, इससे फ़ायदा उठाएं। आपको एक इनामी स्कीम से भी पैसे मिलने की तवक्को लग रही है, इसीलिए अपनी किस्मत को ज़रूर परखें। जॉब में तरक्की मिलेगी। खुद एतमादी के साथ अपने मंसूबों को आगे लेकर बढ़ें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज सौर, आज का दिन वाकई ही में कुछ लिखकर, बोलकर या फिर किसी भी अमल का हिस्सा बन के कामयाबी हासिल करने का शानदार दिन है।
आपको कामयाबी में जदीद टेक्नोलॉजी बड़ा किरदार अदा कर सकती है। नए ख्यालात और प्रोजेक्ट पर काम करने का शानदार वक्त है। आज के दिन किसी भी किस्म का दबाव कबूल करने की कोशिश मत करें। आपको अपने अहम किस्म के मंसूबों की जानिब ज़्यादा मुतवज्जो रहने की ज़रूरत है। आज के दिन ऐसी मालूमात मिल सकती हैं जो आपके काफ़ी काम आ सकती हैं। खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते रहें। सेहत से भरपूर खुराक इस्तेमाल करके जहाँ पर आप अपने जिस्म को तवानाई मुहैया कर सकते हैं, वहीं पर ही आप अपने जहन को भी तवाना रख सकते हैं। आज के दिन बेहतरीन तौर पर आपके ताल्लुकात आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। इस वक्त आपकी ज़िंदगी में जो खुशहाली मौजूद है, इससे आप अपने प्रेमी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आपने जो तवील और मुद्दती मनसूबे शुरू किए हुए हैं, इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करके अपनी आमदनी में इजाफा करें। अपने साथ काम करने वाले साथियों से आपको मज़ीद ताल्लुकात बेहतर बनाना चाहिए। अपने कैरियर को मज़ीद शानदार बनाने के लिए अगर आप कोई कोर्स करना चाह रहे हैं या हुनर सीखना चाह रहे हैं, तो ज़रूर ऐसा करें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज जोजा, आपकी बातचीत करने वाली सलाहियतें आज बुलंदी पर काम करती हुई नजर आ रही हैं। आप जो अमली बने हुए हैं, इसका आपको ज़्यादा फायदा हो सकता है। आज के दिन ऐसा लग रहा है कि आपकी तमाम मुश्किलात दूर होती जा रही हैं और आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती जा रही हैं। अपनी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखें और अगर कुछ नया सीखना चाह रहे हैं तो इसमें देर मत लगाएं। आपको अपने इर्द गिर्द मौजूद लोगों की हिमायत हासिल हो सकती है। आज जो कुछ भी नया शुरू करेंगे, इसमें आपको फ़ायदा पहुंच सकता है। आज के दिन इम्कानात आपकी कामयाबी के ही लग रहे हैं। आप जो मुतवाजन के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इससे यकीनी तौर पर आपकी सेहत पर मुस्बत असरात मुरतब हो सकते हैं। वर्जिश को अपना मामूल बनाएं। आपको अपने रोमानवी तलुकात में सोच समझकर ही कदम उठाना चाहिए। किसी पर फौरी एतमाद करने से गरेज करें। आज के दिन कामयाबी की जानब आगे बढ़ते हुए लग रहे हैं। आज आप अपने कामों की जानब ज़्यादा मसरूफ लग रहे हैं। आपके साथ काम करने वाले साथी आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं। आपको जल्द अज जल्द अपने मंसूबों को मुकम्मल करने की कोशिश करनी चाहिए। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज सरतान, एक ख़ास मकाम तक पहुँचने की शदीद ख्वाहिश आपको कुछ वक्त फ़ोन पर मसरूफ रख सकती है और अमली तौर पर भी कुछ करने में आपको उकसा सकती है। ऐसा लग रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी में कुछ तब्दीलियां लाना चाह रहे हैं। यकीनी तौर पर होने वाली तब्दीलियां आपके लिए मुस्बत साबित हो सकती हैं। आज के दिन आप हर तरह की फ़िक्र और फाके से आज़ाद लग रहे हैं, इसीलिए आपका मूड शानदार बना हुआ है। अपने आदाब को शानदार तौर पर हासिल करने की कोशिश करें। आज के दिन आप दूसरों के लिए खुशी का बायस बन सकते हैं और अपने वक्त की कदर करें। आप अपनी सेहत को फिटनेस की जानिब ही लेकर जा रहे हैं। आपको अपनी सेहत के मतलब कोई भी ऐसा मसला नहीं है जो आपको परेशान कर सके। ऐसी खुराक इस्तेमाल करें जिससे आपका वज़न बढ़ ना सके। पानी के कम अज़ कम 12 गिलास ज़रूर पिएं। आज के दिन घर आने वाले एक हसीन और जमील मेहमान या फिर किसी भी जगह पर एक शख्स से होने वाली मुलाकात आप दोनों के दिलों की घंटी बजाने का बायस बन सकती है। आप जो डिग्री हासिल कर चुके हैं, वाकई में वो आपके कैरियर में आपके लिए बेहतरीन साबित हो सकती है। आज के दिन पेशावराना तौर पर आपके सामने बेपनाह मौके आ रहे हैं जिनसे आपको लाजमी फ़ायदा उठाना चाहिए। अपनी सलाहियतों पर मुकम्मल भरोसा रखते हुए आगे बढ़ते जाएं। आपकी आमदनी में बड़ा इजाफा होना मुमकिन लग रहा है। मेहनत को जारी रखें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज असद, आज के दिन आप मेहनत से वो मकाम हासिल कर सकते हैं जिसकी आपको ख्वाहिश है। अपने कैरियर और मुस्तकबिल के बारे में सोच रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो आपको अब अमली तौर पर आगे बढ़ना चाहिए। ऐसे कामों से दूर रहे जो आपके लिए वजह मायूसी बन सकते हैं। सब्र और तहम्मुल के साथ अपने अहम मंसूबों की जानिब मसरूफ रहे। आज के जो भी मकासद हैं और आदाब हैं, इनको हासिल करने में बिल्कुल भी देर मत लगाएं। आज के दिन आपके अपने ख़ानदान की तवज्जो का मरकज बन सकते हैं। इस वक्त होने वाले माहदे आपके हक में ही जा सकते हैं। आज के दिन शायद आप अपना वजन कम करने की जानिब तवज्जो दे रहे हैं। अगर ऐसा ही है तो शानदार है। आपको सलाद का इस्तेमाल बाकायदगी के साथ करना चाहिए। आज के दिन आपका प्यार या साथी आपसे काफ़ी खुश लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी एक ख्वाहिश पूरी कर दी है। जो कुछ भी आपके लिए अहम है, जो कुछ भी आप मज़ीद आगे बढ़ा सकते हैं, आपको इस पर अमल दरामद करना चाहिए। आज के दिन जदीद टेक्नोलॉजी और इंटरनेट की दुनिया आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अपने अहम मनसूबों को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की कोशिश करें ताकि आपकी आमदनी में मज़ीद इजाफा हो सके। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज सुंबला,
आप अपने अंदर हर किस्म की सलाहियतों का बढ़ता हुआ महसूस कर सकते हैं। दूसरों के साथ ज़्यादा नर्म मुलायम रवैये से पेश आए। आप जिस उलझन का शिकार हैं इससे आज छुटकारा मिल सकता है। अपनी सलाहियतों पर भरोसा रखें और आज के दिन आपको किसी भी चीज़ से बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए। तवक्को है कि अपनी समझबूझ से आप आज हर चीज़ को अपने काबू में कर सकते हैं। इस वक्त जो जहन में नए ख्यालात आ रहे हैं इस पर लाजमी अमल दरामद करें। आज सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक ही होने की तवक्को लग रही है। ऐसी खुराक और चीज़ों से बचें जो आपकी सेहत पर मनफी असरात मुरतब करें। आज के दिन एक ख़ास शख्स आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन सकता है जिनके साथ यकीनी तौर पर आपके ख्यालात और एहसास काफ़ी मिलते होंगे। इस वक्त जिन मनसूबों पर काम कर रहे हैं इनको जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि आप मज़ीद मंसूबे शुरू कर सकें। आपकी तरक्कियों की जानिब बढ़ते जा रहे हैं और अपनी इस रफ्तार को जारी रखें। मिलने वाली मालूमात को अपने फ़ायदे के लिए ही इस्तेमाल करें। आपकी आमदनी में इजाफा होता लग रहा है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज मीज़ान, अपने मंसूबों पर काम करने का शानदार वक्त है। माहौल के अंदर मौजूद तवनाई आपको आगे बढ़ने में मदद फराहम कर सकती है। आपको अपने आज के दिन जो भी तवक्कुआत हैं वो पूरी हो सकती हैं। आपको अपनी ज़ात पर मुकम्मल भरोसा रखे हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। एक अहम मंसूबा मुकम्मल होने की बदौलत आप ख़ुद को एक बड़ी कामयाबी के करीब महसूस कर सकते हैं। आपको खुद एतमादी के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। शानदार और अपने से तजर्बाकार लोगों की सोहबत आपके लिए लाजमी है और इसको लाजमी इंजॉय करना चाहिए। आज के दिन आप ख़ुद को हशाश बशाश महसूस कर सकते हैं। आपकी सेहत बेहतरीन लग रही है जो आपने काफ़ी मेहनत करके बनाई है। चहलकदमी को जारी रखें। आपको अपने प्रेमी के साथ जहन में आने वाले तरोताज़ा ख्यालात का इजहार लाजमी करना चाहिए। आज के दिन एक नई जॉब की पेशकश की जा सकती है या फिर एक कारोबार में शामिल होने की भी आपको इस जानिब से सोच समझ कर ही कदम बढ़ाना चाहिए। पेशा वराना तौर पर आज के दिन आपको अपने तजर्बा से फ़ायदा उठाते हुए लाजमी तौर पर कुछ नया करना चाहिए। आपके सामने शानदार मुस्तकबिल है, इसकी जानिब बढ़ते जाएं। अपने अहम मकासद को किसी तौर पर भी नज़रअंदाज मत करें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज अक्रब, आज के दिन मुख्तलिफ मनसूबों पर काम करके अपने लिए काफ़ी कामयाबी समेट सकते हैं। गैर मुतवक्के तौर पर आगे बढ़ रहे हैं। अगर आपको किसी जानिब से तनकीद का सामना करना पड़े तो इसको बर्दाश्त करें क्योंकि जो लोग आप पर तनकीद कर रहे हैं वो जल्द ही आपकी तारीफ करेंगे। आपको खामोशी के साथ अपने काम की जानिब मुतवज्जो रहना चाहिए और अपने अहदाफ को हासिल करने की जानिब मायल रहें। आज आपके काम को और की गई मेहनत को सराहा जा सकता है। अपने मुकर्रर करदा अहदाफ को हासिल करने की कोशिश करें। एक दूसरे शहर जाने का मौका मिल सकता है। आज के दिन अपनी शानदार सेहत से लाजमी तौर पर लुत्फानंदोज होना चाहिए। आज का दिन रोमानवी तौर पर बेहतरीन दिन है। आप अपने प्यार से जो भी वादे किए हैं इनको आज पूरा कर सकते हैं। आज के दिन आप अपने कैरियर को खुशहाली की जानिब लेकर आगे बढ़ रहे हैं। अपनी ज़ात को मज़ीद हुनरमंद बनाने की कोशिश करें। इस वक्त जो मौके आपके सामने हैं इनसे फ़ायदा उठाएं। आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए मज़ीद मेहनत करना होगी। तरक्की और कामयाबी के सफ़र को जारी रखें। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और ज़िक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। बुर्ज कौस, आज के दिन आज़ादाना तौर पर आगे बढ़ने का मौका मिला है और हैरान कन तौर पर अपने लिए एक बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। आज के दिन आपके लिए बेपनाह आसानियां हैं, इसीलिए अपने मंसूबों पर काम जारी रखें। अपना एक अहम काम निकलवाने के लिए आपको सुकून और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए। यह वक्त खुशकिस्मती का है, इससे फ़ायदा उठाएं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदों के लिए ही इस्तेमाल करें। मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते रहें। आज के दिन आप अपनी सेहत के मुतालिक एक पुराना मसला हल कर सकते हैं। इसके हल होने से आपको खुद को सेहतमंद महसूस कर सकते हैं।
आज के दिन आप जिस तरह से रोमांस की जाने मुतवजह है, यकीनी तौर पर आपको अपने प्यार से मुस्बत जवाब ही मिलेगा। एक अहम मनसूबा मुकम्मल करना आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहा। आज के दिन आप अपने कैरियर के मुतालिक एक अहम मसला हल कर सकते हैं। जदीद टेक्नोलॉजी को अपने फ़ायदे के लिए लाजमी इस्तेमाल करें। अपने मकासद हासिल करके अपनी आमदनी में मजीद इजाफा किया जा सकता है। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और जिक्र अल्लाह से अपने दिलों को मुनव्वर करें। हमारे चैनल के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और हमारे चैनल का सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करें। बहुत शुक्रिया।